अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिजाबिस ब्यूटी ग्लैम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है एक प्रोडक्ट रिव्यू के हवाले से। आज मैं आपको इस शैम्पू का रिव्यू करके बताऊंगी। लोगों की रिक्वेस्ट थी मुझसे कि हमसे ये रेमेडीज़ वगैरह नहीं होती, तो आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमें बताएं जिससे हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाएं। तो ये मैं शैम्पू लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल भी रेमेडीज़ यूज़ नहीं करते और ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, तो उनके लिए है ये प्रोडक्ट। मतलब हर किसी के लिए, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये है पामोलिव के शैम्पू प्लस कंडीशनर। मैंने दो टाइप के शैम्पू लिए हैं, एक है नॉर्मल शैम्पू, एक है हेयर फॉल का शैम्पू। बिलीव मी गाइज, दिस शैम्पू इज़ बॉम, लाइक मैजिक की तरह ये काम करता है। मैंने पामोलिव का जो येलो वाला है ये हेयर फॉल के लिए है, एंड ग्रीन वाला जो है वो नॉर्मल बालों के लिए है, लेकिन मैंने ये ग्रीन वाला ही यूज़ किया है। एंड बाल इतने कोई सॉफ्ट हो गए कि उसके बाद मुझे कोई भी कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, बल्कि मैं हमेशा शैम्पू के बाद कंडीशनर भी अप्लाई करती हूँ, उसके बाद हेयर सीरम भी अप्लाई करती हूँ, तब जाके मेरे बाल जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इस शैम्पू को करने के बाद मुझे कंडीशनर यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप शैम्पू के साथ कंडीशनर भी यूज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में कि मैंने ये दो शैम्पू क्यों यूज़ किए। क्योंकि नॉर्मली लोग जो होते हैं, एक तो उनके फ्रिजी बाल होते हैं और दूसरा लोग आजकल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल के लिए परेशान हैं। तो जब भी मैंने ये दो पामोलिव के शैम्पू यूज़ किए, इनकी बहुत सारी रेंज आती है डिफरेंट उसमें, लाइक आप इसका इनके कैरेटीन ट्रीटमेंट का भी शैम्पू आता है, एंटी डैंड्रफ का भी शैम्पू आता है, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी मैं इन दो शैम्पूज़ की बात करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रीन वाला जो है वो नॉर्मल हेयर के लिए, यानी कि अगर आपको हेल्दी एंड स्मूथ बाल चाहिए देन आपने यूज़ करना है ये ग्रीन वन। एंड इसकी खुशबू बहुत अमेजिंग है, लाइक ऐसा लग रहा होता है कि हम लोग कोई इंटरनेशनल ब्रांड का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको मैं इसकी कीमत बताऊँ तो आप लाइक हैरान हो जाएंगे। जस्ट 149 रुपीज़ का ये मुझे मिला है, 180 ml। अच्छा, बात करते हैं इसके दूसरे यानी कि प्रोडक्ट की, यानी कि ये मैंने कंडीशनर भी नॉर्मल वाला ही लिया, मैंने हेयर फॉल वाला नहीं लिया। तो ये जो एंटी हेयर फॉल वाला शैम्पू मैंने लिया है, ये मैंने अपनी सिस्टर को दिया था यूज़ करने के लिए, तो उसके हेयर फॉल बहुत हो रहे थे। लेकिन अब मैं ये बोल सकती हूँ कि 100% नहीं बट 80% उसके हेयर फॉल कम हुए हैं। तो अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हैं देन आपने ही इसी लाइक हेयर फॉल का ही कंडीशनर भी यूज़ करना है। खैर, मेरे इतने बाल हेयर फॉल नहीं होते तो मैंने नॉर्मल वाला ही कंडीशनर यूज़ किया है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसका भी कंडीशनर यूज़ करके उसका भी रिव्यू दे दूँगी। फ़िलहाल ये मैंने आपको इसकी प्राइसेस बता दी। अब आप जैसे नॉर्मल यूज़ करते हो हेयर शैम्पू, डेफिनेटली उसी तरीके से ये हेयर शैम्पू यूज़ करना है। आपने कभी भी गर्म पानी से अपने बालों को वॉश नहीं करना है, और अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं देन कंडीशनर आपने लाजमी यूज़ करना है। वैसे तो आप सिर्फ शैम्पू करोगे तब भी आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रिजी बाल हैं देन गो फॉर द कंडीशनर। उसको सही तरीका कंडीशनर का नहीं मालूम, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ। उम्मीद है आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत ही डिमांडिंग वीडियो थी जो मैंने आज बनाई है, वैसे बहुत शॉर्ट टर्म में बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।